हाँ प्यारे बच्चों, इस फाइल में अपन देखते हैं धौलपुर के दुर्ग, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो धौलपुर का दुर्ग है वो शेरगढ़ है। उससे पहले अपन एक देख लें तो गुमट का दुर्ग, है ना। गुमट का दुर्ग, गुमट, ठीक है। कई बार ये गुमट का दुर्ग नहीं आता क्वेश्चन ऑप्शन में, ये आ जाता बाड़ी का दुर्ग, ठीक है। तो बाड़ी, जैसे बाड़ी तालाब है सांझा का बनवाया हुआ है, लेकिन यहाँ जो दुर्ग है वो गुमट का दुर्ग है, बाड़ी धौलपुर में, तहसील है बाड़ी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। निर्माण वर्ष है 1444, ठीक है। फिर जैसे अपन देखते हैं ये बाड़ी का किला बोलता है, धौलपुर का किला बोलता है, तो धौलपुर से ही अपने ये है ना, ये धौलपुर का युद्ध, ये बाड़ी धौलपुर में लड़ा गया था 1518 में। तो राणा सांगा द्वारा जो शुरू के अंदर जो तीन लड़ाइयां लड़ी गई है ना, उनमें बहुत फेमस है। तो तीन लड़ाइयां जैसे शुरू में जो राणा सांगा ने लड़ी थी, देखो तो तीन है, एक तो है खातोली, ठीक है, दूसरा है अपने ये बाड़ी धौलपुर, धौलपुर है ना, बाड़ी का या धौलपुर का युद्ध, ठीक है ना, धौलपुर। और रेड करूं इसमें शायद कॉन्ट्रास्ट कम है। और तीसरा, जैसे भाई सबसे पहला तो खातोली है, दूसरा ये बाड़ी धौलपुर है, और तीसरा है अपना गागरोन का युद्ध, ठीक है ना। ये मतलब यूं है, ये 1517 में खातोली, धौलपुर 1518 में है, और गागरोन का 1519 में, ठीक है ना। इसके बाद फिर जैसे दो युद्ध दो लड़े, लेकिन उनमें करीबन 7 साल बाद लड़े गए। वो कौन सा है? एक तो अपन देखते हैं बयाना का युद्ध 1527 के अंदर, पहले शुरू के अंदर, और फिर 1527 में लास्ट में अपन देखते हैं खातोली, वो खानवा का युद्ध, ये 1527 में, पहले बयाना है फिर खानवा है, ठीक है। ऐसे ठीक है, ऐसे ये पांचों अपनी लड़ाइयां हैं जो राणा सांगा ने लड़ी हैं, ठीक। तो ये चूंकि धौलपुर यह सीन में है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, तो ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है युद्धों को क्रम में जचाओ। तो क्या है, खातोली सबसे पहले, फिर धौलपुर, फिर गागरोन। तो याद कैसे रखना हो, खाओ धोकर गाजर, है ना। गाजर तो खानी है, लेकिन कैसे खानी है, धोकर खानी है। तो खाओ धोकर गाजर, है ना, खाओ धोकर गाजर। तो खाओ से तो खातोली, धोकर धौलपुर है, और गाजर से गागरोन है, और फिर बयाना और अपने खानवा है, बयाना खानवा, ठीक है। ऐसे याद रखना, फिर खानवा में चैप्टर क्लोज राणा सांगा का, ठीक है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था कि चैप्टर क्लोज हो। देखो यहाँ पे धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को, सांगा विजयी हुआ था। इब्राहिम लोदी ये वही है, ठीक है, लोदी वंश के, बैलो लोदी सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के शासक हुए हैं, बीएसआई बोलते हैं, बीएसआई, बैलो लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है। मतलब पांच वंश हुए दिल्ली सल्तनत पे, सैयद, खिलजी, तुगलक एंड लोदी, सॉरी गुलाम, सैयद नहीं, सबसे पहले गुलाम था, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी, ये है GKTSL, जी से गुलाम, के से खिलजी, ती से तुगलक, एस से सैयद एंड एल से लोदी, सबसे अंत में लोदी थे, और लोदी में था इब्राहिम लोदी, ठीक है। मकबरा इसका पानीपत में, पानीपत का युद्ध लड़ा कि नहीं लड़ा, ये वो इब्राहिम लोदी, ठीक है। इसमें लिख लेना, इसका मकबरा पानीपत में, क्वेश्चन आता है ये बार, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था ना इसने बाबर के साथ 1526, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, सांगा विजय हुआ धौलपुर के युद्ध के अंदर। तो ये हो गया अपने गुमट बाड़ी का दुर्ग। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं शेरगढ़ का दुर्ग। तो सर आप शेरगढ़ तो हमने एक और भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, अपन ने 12 में पढ़ा था। तो वो शेरगढ़ भी नाम रखा था शेरशाह सूरी ने, कोशवर्धन था वो 12 वाला, लिख लेना आप, दूसरा शेरगढ़ 12 कोशवर्धन। और ये दुर्ग का भी नाम रखा है शेरशाह सूरी ने। तो आप जैसे एक बार मैप पे देखो शेरगढ़, है ना, मालवा के रास्ते पर अपन चलेंगे तो धौलपुर और फिर 12 आता है कि नहीं आता मैप में, देखो एक बार, ऐसे है कि नहीं। तो ऐसे मालवा दक्षिण की तरफ जा रहा था तो भाई रास्ता यही था। तो शेरगढ़ का दुर्ग में अपन फैक्ट्स माइक्रो के रूप में देख लो, मालदेव कुषाण शासक हुआ, मालदेव उसने इसका निर्माण कराया, मारवाड़ वाला मालदेव नहीं है ये, जैतायन कुपा गिरी सामिल 1544 रूठी रानी उमादे, वो नहीं है ये, ठीक है, ये कुषाण शासक है मालदेव, उसने निर्माण कराया। फिर शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदल के शेरगढ़ किया। कीरत सिंह धौलपुर के स्वतंत्र धौलपुर के पहले शासक थे कीरत सिंह, उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया और यहाँ हुन हुंकार तोप का निर्माण कराया, अष्ट धातु की तोप है हुन हुंकार, तो कीरत की हुंकार, कीरत मतलब कर्म की हुंकार, देखो कितनी ज्यादा है, बहुत छोटी है दुनिया आपके कर्म पे कॉन्फिडेंस के आगे। फिर नेक्स्ट है निहाल, जो धौलपुर के एक शासक हुए निहाल सिंह, उन्होंने यहाँ पे निहाल टावर बनवाया, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा किलो घंटाघर है, 157 फीट हाइट है उसकी, 150 फीट, है ना। जैसे कल अपने पढ़ा था विजय स्तंभ की हाइट है 120 फीट, और इस निहाल टावर की हाइट है, जो क्लॉक टावर है घंटाघर है, उसकी हाइट है 150 फीट,
तो अब अंदाजा लगा लो, ये अपने है जैसे विजय स्तंभ 120 फीट और ये है 150 फीट, ये 120 फीट विजय स्तंभ, ये 150 फीट निहाल टावर, अंदाजा लगा सकते हो आप। विजय स्तंभ से भी 30 फुट ऊंचा है। तो देखते हैं शेरगढ़ दुर्ग चंबल नदी के किनारे अपने धौलपुर में निर्माता मालदेव व कुषाण राजा प्रथम शताब्दी द्वितीय शताब्दी में बना हुआ है, सेकंड सेंचुरी में है ना, सेकंड सेंचुरी द्वितीय शताब्दी लिख लेना इसमें। फिर पुनर् निर्माण कराया 1540 में शेरशाह सूरी ने, इसका नाम रखा शेरगढ़ है ना। शेरशाह सूरी का जो काल है शासक के रूप में वो 1540 से 45 है, मात्र 5 साल ही ये शासक कर पाया था। हुक्का नाम की मिसाइल चला रहा था अपने, और फिर असीरगढ़ के दुर्ग में ही अपने कालिंजर अभियान, असीरगढ़ का तो अकबर का था अंतिम अभियान 1601, यह कालिंजर अभियान के दौरान फिर इसकी मृत्यु हो गई थी हुक्का नाम की मिसाइल फटने से। भाई यूं अपन जैसे मिसाइल चलाते हैं ना, तो वो पीछे से फट गई, कुछ कुछ ऐसे ही जैसे मान लो आप रॉकेट चला रहे हो है ना, तो वो रॉकेट ऊपर जाने की जगह वो नीचे ही फट जाए, उसका बारूद नीचे निकल जाए, वैसे ही। तो 1545 में फिर मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की, सिर्फ 5 साल राज कर पाया था शेरशाह सूरी। तो 1540 में शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ नाम दिया। उपनाम क्या है इसका, पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। तो धौलपुर से अपन आते हैं देखो, तो पूर्वी राजस्थान धौलपुर से एंटर करेंगे आगरा से जाएंगे, और धौलपुर जैसे स्टेट राज्य का बना था 1987, ये भी लिख लो, अभी बताया था पिछले फाइल में मैंने। तो पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार अपने धौलपुर। फिर सामरिक महत्व क्या, अपने धौलपुर का उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है, ये देख लो, उत्तर दक्षिण मतलब मालवा को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है, उत्तर दक्षिण मार्ग पर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि शेरशाह दखन का प्रवेश द्वार भी कहलाता है, दखन दक्षिण भारत का है ना। तो देखो धौलपुर 12 और फिर ये 12 के बाद पूरा जैसे अपने चंबल नदी पार करी क्या चालू हो जाता है, मालवा का पठार चालू हो जाता है, तो दक्कन का प्रवेश द्वार धौलपुर को बोला जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रवेश द्वार पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे उत्तर का प्रवेश द्वार क्यों बटनेर है, क्यों अपन जैसे पूर्व का प्रवेश द्वार अपन जैसे धौलपुर शेरगढ़ है, धौलपुर में शेरगढ़, क्यों दक्षिण का प्रवेश द्वार जैसे अपन देखेंगे मेवाड़ हो गया, और इधर पूर्व का पश्चिम का पूर्व का अपन जैसे देखेंगे तो ये जैसलमेर हो गया, ऐसे ये दोनों उत्तर भड़की मार है। बटनेर के दुर्ग को भी उत्तर भड़की मार बोलते हैं, और जैसलमेर से सोनारगढ़ है सोनगिरी को भी उत्तर भड़की मार है, और इधर धौलपुर में है अपना शेरगढ़ पूर्वी, और ये पश्चिमी है, सॉरी पश्चिमी जो है ना, वेस्ट पश्चिम में तो हो गया अपना जैसलमेर, और पूर्व में हो गया अपना शेरगढ़ धौलपुर, ऐसे ईस्ट में ये धौलपुर ईस्ट में ही है अपने, वेस्ट में अपने जैसलमेर है, ऐसे। तो पूर्व में धौलपुर शेरगढ़ पूर्वी प्रवेश द्वार, पश्चिम प्रवेश द्वार अपना सोनारगढ़, वेस्ट में जैसलमेर, ठीक है। दक्षिण का प्रवेश द्वार अपन ये शेरगढ़। फिर सांप्रदायिक सद्भाव शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित यहाँ मस्जिद और हनुमान मंदिर दोनों देखते हैं अपन। तो सांप्रदायिक वैमन से जो फैलाया तो अंग्रेजों की देन था, ये तो माटो राजगुरु। फिर राजधानी बनवाया इसको धौलपुर के प्रथम शासक कीरत सिंह ने, 1818-11 का काल है कीरत सिंह का, इन्होंने धौलपुर को अपनी राजधानी बनाया। अष्ट धातु की विशाल तोप का निर्माण कराया, मुख्य दरवाजे पर आज भी स्थित है, और इसका नाम तोप का नाम है हुनुंकार तोप। घंटाघर क्लॉक टावर, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर जो है वो धौलपुर में, जिसको निहाल टावर बोलते हैं, ऊंचाई है 150 फीट और इसके निर्माता थे निहाल सिंह, इन्हीं के नाम के पीछे नाम पड़ा हुआ निहाल टावर, ठीक है। धौलपुर के जो सिक्के थे वो तमंचा शाही सिक्के थे, तमंचे पर डिस्को सुना होगा ना, तो तमंचा शाही सिक्के थे। तो देखो हुनुंकार तोप है, तो तोप का नाम हुनुंकार है, तो भाई तो सिक्के तो तमंचा शाही होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा तमंचे पर डिस्को, तमंचा शाही सिक्के धौलपुर। तो शेरशाह सूरी कराता था यहाँ तमंचे पर डिस्को, तमंचे पर पैसे उछालना, तो वो क्या हो गया तमंचे शाही सिक्के, ठीक है, ऐसे है। तो अब देखो मैंने ये धौलपुर हो गया है ना, ये धौलपुर में वापस मैं जो माइक्रो थे उसी से मैं आपको रिवीजन कराता हूं। देखो क्या था, शेरगढ़ दुर्ग देख रहे हैं अपन, तो मालदेव कुषाण शासक द्वितीय शताब्दी में बनाया, शेरशाह सूरी ने इसको जीता 1540 में, और शेरगढ़ नाम रखा। कीरत सिंह जो स्वतंत्र शासक था उसने उनको अपनी राजधानी बनाया 1814 था ना, 1804 से 11, ठीक है। और हुनुंकार तोप का अष्टभुजा जो धातु से निर्मित तोप, हुनुंकार तोप, निहाल टावर है यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर, ठीक है, ये देखा विश्व का सबसे ऊंचा। तो इससे ऊपर अपन ने देखा था बाड़ी या धौलपुर का किला, ठीक है। तो बाड़ी या धौलपुर का किला, उसको अपन गुमट का किला भी बोलते हैं, गुमट बाड़ी बाड़ी, ठीक है। और वहां पे अपन धौलपुर का युद्ध देखा अपने 1518, राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोदी को, ठीक है। ये धौलपुर का किला निर्माण 1444 में, ठीक है, ऐसे है। और धौलपुर जो है चंबल नदी के किनारे, धौलपुर जैसे सवाई माधोपुर करौली धौलपुर बिल्कुल बाउंड्री बनती है चंबल
एमपी और राजस्थान के बीच में। मैप पे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप पे नहीं देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर जितने भी मैं आपको बताता हूँ उसको मैप पे लोकेट करो। सार्थक एटलस मैंने दे रखी है उसमें बिल्कुल एक एक तहसील आपको पता है, तो वैसे लोकेट करो बिल्कुल, मजा तभी आएगा। समझ गए? तो ऐसे था ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट धौलपुर। ओके ऐसे था। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपन गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ आएगा। गंगानगर छोटा सा ही है, फाइल में देखेंगे गंगानगर हनुमानगढ़ साथ में। ओके ओके।